हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल नॉलेज नोर में। दोस्तों, मेरे कई सारे व्यूअर ने यह जानना चाहा है कि रेल ट्रैक्स खुले धूप बरसात में पड़े रहने के बावजूद भी इसमें जंग क्यों नहीं लगता है, और अगर लगता भी है तो इसे कितने सालों के बाद रिप्लेस किया जाता है। तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और उस एक्चुअल रीजन को जानेंगे जिसके कारण रेल ट्रैक्स खुले धूप बरसात नमी में रहने के बावजूद भी इसमें जंग क्यों नहीं लगता है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि रेलवे ट्रैक्स में जंग नहीं लगता है। जंग लगता तो जरूर है, लेकिन इसमें जंग लगने की जो प्रक्रिया होती है वह बहुत लंबी होती है, मतलब कि कई सालों के बाद इसमें जंग लगते हैं। अब हम यह समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, रेल ट्रैक्स को बनाने के लिए जो स्टील यूज किया जाता है वह नॉर्मल लोहे की तुलना में काफी अलग होता है। रेल ट्रैक्स में यूज होने वाले स्टील एक उच्च गुणवत्ता वाले स्टील के मिश्र धातु से बना होता है, जिसमें जंग प्रतिरोधक क्षमता होती है। दोस्तों, इंडियन रेलवेज में जो रेलवे ट्रैक्स यूज होते हैं वह भिलाई स्टील प्लांट सेल और जिंदल स्टील से आते हैं, जिसमें यूज होने वाले धातुओं का कंपोजिशन और स्पेसिफिकेशन को आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें यूज होने वाले स्टील का नाम IRS T12 2009 ग्रेड 880 है। यहाँ पर IRS का मतलब होता है इंडियन रेलवेज स्टैंडर्ड, और 880 अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस की मिनिमम अनुमति मात्रा है। दोस्तों, जंग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए और स्ट्रेस के सहन को करने के लिए इसमें कार्बन और मैग्नीज को एडजस्ट करके मिलाया जाता है, जिसके कारण यह ऑक्सीजन और खुले नमी के संपर्क में आने के बावजूद भी 20 सालों तक इसमें जंग की समस्या नहीं होती है। दोस्तों, रेलवे ट्रैक्स में मैग्नीज का प्रमुख कार्य ठंडा होने की दर को धीमा करना होता है, जिससे ट्रैक्स की हार्डनेस के साथ साथ स्ट्रेस बढ़ जाती है, और जंग प्रतिरोधी बनाने के लिए इसका माइक्रोस्ट्रक्चर पियर लाइट और सीमेंटी लाइट का मिश्रण होता है, जो कि जंग लगने की दर को कम कर देता है। दोस्तों, इसके साथ साथ रेलवे ट्रैक्स पर निरंतर ट्रेन के पहिए चलते रहते हैं, जिसके कारण उस पर घर्षण होता है और यह परत हमेशा चिकनी रहती है और इसमें जंग नहीं लग पाता है। दोस्तों, इसके अलावे रेलवे ट्रैक्स में जंग नहीं लगने का एक और प्रमुख कारण है, वह है इसका क्रॉस सेक्शन का डिजाइन, जिसके कारण जब इसके आउटर पर जंग लगता है तब इसका फेस एक बैरियर के रूप में काम करता है, जो कि जंग लगने की दर को धीमा कर देता है। दोस्तों, इस तरह से आप समझ गए होंगे कि रेल ट्रैक्स खुले धूप और नमी में रहने के बावजूद भी इसमें जंग क्यों नहीं लगता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।